सूजी का हलवा आसानी से बनने वाली बहुत ही स्वादिष्ट और पारंपरिक रेसिपी है। ये बनाने में आसान और जल्दी से बन भी जाता है और सभी को पसंद भी आता है। सूजी का हलवा आमतौर पर भारतीय घरों में खास अवसरों और पूजा के मौके पर बनाया जाता है। गणेश चतुर्थी या दिवाली में इसे प्रसाद के रूप में परोसा जाता है और नवरात्रि में अष्टमी और नवमी पर पूजा के दौरान भी काले चने और पूरियों के साथ सूजी का हलवा परोसा जाता है। तो त्योहार स्पेशल सूजी का हलवा बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, मैं कल्पना, आप सबका स्वागत है स्वाद घर में। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करिए और कमेंट करिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम आधा कटोरी घी ऐड कर लेंगे। ये एकदम देसी घी है, ये घर की बनी हुई घी है। अब घी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। घी हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें हम सूजी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कप पूरी सूजी ऐड की है, इसमें बारीक सूजी है ये। यहाँ पे मैंने दाने वाली नहीं लेकर बारीक वाली सूजी ली है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हमें अच्छे से भूंज लेना है। यहाँ पे हमने कुछ देर तक इसे भूंज लिया है। देखिए ये जब लाल होने लगेगी तो इसे हम चलाते हुए फुल आंच में अच्छे से भूंज लेंगे, जब तक कि इसका कलर एकदम गोल्डन कलर ना हो जाए। यहाँ पे इसका गोल्डन कलर हो गया है, हमें इससे थोड़ा सा डार्क और कलर होना है, तो इसके लिए हम इसे चलाते हुए और अच्छे से भूंज लेते हैं। सूजी जितने अच्छे से भूंजेगी उतनी ही अच्छी हमारी टेस्टी सूजी का हलवा तैयार होगा। इसे हमें जलाना नहीं है, इसे चलाते हुए ही अच्छी तरीके से गोल्डन कलर आने तक के अच्छे से भूंज लेना है। जितना अच्छा गोल्डन कलर आएगा उतना अच्छा ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगा। यहाँ पे इसमें गोल्डन कलर आ गया है, अब इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल के रख देते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम पानी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आधा मग पानी ऐड कर लिया है। गैस की आंच को हमें फुल कर देना है जिससे कि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। अब इसमें हम चीनी ऐड कर लेंगे। एक कटोरी यहाँ पे मैं चीनी ऐड कर लूंगी। आपको जितना कम मीठा चाहिए या ज्यादा मीठा चाहिए उस हिसाब से चीनी ऐड कर लीजिए। चुटकी भर इसमें हम नमक ऐड कर लेते हैं। नमक डालने से इसका स्वाद और अच्छा लगता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम उबाल आने देंगे जब तक कि चीनी घुल ना जाए, इसे हम पकने देंगे। यहाँ पे पानी में उबाल आ गई है, हमारी चीनी भी अच्छे से घुल गई है। चीनी को अगर सूजी में ही ऐड करेंगे और उसके बाद में आप इसमें पानी डालोगे तो चीनी देखिएगा कभी कभी क्या होती है, ढेले ढेली रह जाती है। इस तरह से बनाओगे तो चीनी बहुत ही अच्छे से घुल जाएगी और आपका हलवा जो है वो भी बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब इसमें हम सूजी को ऐड कर लेते हैं। अब सूजी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस की आंच को हमें धीमी कर लेना है जिससे कि सूजी अच्छे से पक जाए और जो पानी है इसमें का वो अच्छे से सूख जाए। यहाँ पे ये सूजी हमारी अच्छे से पक भी गई है और कितनी सुंदर इसका कलर भी आ रहा है और दिखने में एकदम टेस्टी दिखाई दे रही है। इसका टेस्ट बनाने के लिए इसमें हम इलायची डाल देते हैं, दो कुटी हुई। आधा कटोरी किशमिश ऐड कर लेते हैं और आधा कटोरी कटी हुई काजू ऐड कर लेते हैं। अब इन सभी चीजों को हलवे में अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हम 2 से 3 मिनट तक के अच्छे से भूंज लेंगे जिससे कि इलायची हमारी अच्छे से पक भी जाएगी और उसकी खुशबू आने लगेगी। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है और हमारा हलवा भी बनकर तैयार हो गया है। खास अवसरों या फिर पूजा के मौके पर या फिर त्योहारों पर इसे जरूर बनाइए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और दिखने में भी आपको दिख रहा होगा बहुत ही टेस्टी है, और मेहमानों के आ जाने पर भी इसे बनाकर आप सर्व कर सकती है। आप इसे घर में जरूर ट्राई करिए और हमारे वीडियो को शेयर करिए।